हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है हाउ डज एन एयरप्लेन फाइंड इट्स वे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेविगेशन या रास्ता खोजना हम इंसानों को बहुत पहले से आता है। पहले हम पूछ के आगे जाते थे और अब हम GPS यूज करते हैं। अब रोड ट्रिप्स पर आजकल हम गूगल मैप्स या वेज जैसे एप्स का बहुत यूज करते हैं। वो हमें ये बताता है कि हम कैसे और कितनी देर में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लंदन से पेरिस जाते हैं तो आपको लगभग 5.5 घंटे लगेंगे अगर आप A1 ऑटो रूट से जाए तो। एक्चुअली फ्रांस में हाईवेज को ऑटो रूट बोलते हैं। एक मिनट, मैं ये प्लेन वाले वीडियो में रोड की बात क्यों कर रहा हूँ? रीजन फिर से वही है, GPS और उसका नेविगेशन रूट, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहता है पर कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस के साथ। तो आइए देखें वो क्या है। चलिए अब अपनी डेस्टिनेशन चेंज करके अमेरिका चलते हैं। अब आपको जाना है न्यूयॉर्क से लास वेगस। तो अब रोड्स के जैसे एयर के लिए एन रूट चार्ट्स होते हैं, जो स्काई के मैप्स होते हैं। ये चार्ट्स आसमान में उन दो पॉइंट्स के बीच का रास्ता दिखाते हैं जहां आपको जाना है। इनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि जो एयर ट्रैफिक है वो एक दूसरे से अलग और ऑर्गेनाइज्ड रहे। एक एयरलाइन डिस्पैचर वो इंसान होता है जो कंप्यूटर को यूज करके ये एन रूट चार्ट्स में वेदर और विंड्स का डेटा डालता है, और साथ ही सबसे ज्यादा कॉस्ट सेविंग रूट हो इस बात का भी ध्यान रखता है। अब जो लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोल या ATC होता है, वो एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले पायलट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया या बहना, आपका रूट क्लियर है। अब उसमें ट्रैफिक ज्यादा है या आगे बहुत बारिश हो रही है तो ध्यान से जाना। अब जो फाइटर जेट्स हैं, अगर आप कंपैरिजन के लिए देखें, उनमें कई बार इतना ऑटोमेशन नहीं होता है और मोस्टली दे रिलाई ऑन GPS, तो उसको फ्लाई करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज होता है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको किन दो सिटीज के बीच एयरप्लेन से ट्रैवल करने की इच्छा है, और साथ ही साथ अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आइए चले वापस वीडियो पर। अब आपको रूट पता है, पर एयरप्लेन को कैसे पता चलेगा? इसका जवाब है फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। 1980 से लगभग हर एयरप्लेन में एक बॉक्स आता है जिसको फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम या FMS बोला जाता है। FMS ही प्लेन का रास्ता खोजने वाला दिमाग है। जब आपको प्लेन के अंदर पायलट की आवाज आती है, हम 40 मिनट में लास वेगस पहुंच रहे हैं, देखिए आपने तो सुना नहीं वो क्या बोल रहा था क्योंकि आप एयर होस्टेस को देखने में बिजी थे, पर पायलट ये नंबर अपने खुद के अंदाजे से नहीं बोल रहा है, उसको ये FMS ही बता रहा है। इस बॉक्स में बहुत डेटा और सेंसर्स होते हैं, GPS कोऑर्डिनेट्स, एक बड़ा डेटाबेस जिसमें एयरपोर्ट्स और एयरवेज को जो रूट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। ज्यादातर केसेस में रूट्स प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, बस पायलट्स ने एक छोटा सा कोड टाइप किया और बूम, पूरा रूट सामने है। अब उड़ने का समय है। अब जैसे गूगल मैप्स पर आपको एक हाईलाइटेड रास्ता दिखता है, वैसे ही फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको लाइंस दिखेंगी कि ये आपका रूट है, साथ में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पायलट्स के लिए जरूरी है। अब अगर ऑटो पायलट मोड पर प्लेन को सेट कर दिया गया तो वो उस प्री फिक्स लाइन को एग्जैक्टली फॉलो करेगा, पर क्या होगा अगर दूसरा प्लेन आपके वाले रास्ते के बीच में आ जाए तो, और आपकी लाइन उसकी लाइन से क्रॉस हो रही हो सेम हाइट पर? तो यही एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपकी हेल्प करता है। ATC का मेन काम ही एयरक्राफ्ट को एक दूसरे से दूर रखना है। रेडार के जरिए जो कंट्रोलर्स वहां बैठे हुए हैं, वो कई 100 किलोमीटर दूर से ही पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं, और फिर वो एक या दोनों एयरक्राफ्ट को कांटेक्ट करके पायलट्स को थोड़ा रूट या हाइट चेंज के लिए बोलेंगे। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, घबराना नहीं है आपको, तो मस्त बैठ के मूंगफली खाइए। रेडार क्या होता है और कैसे काम करता है ये जानने के लिए देखें ऊपर पॉप हो रहा वीडियो। अब लैंडिंग पर आते हैं। लैंडिंग में हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे एरोप्लेन एक ही एयरपोर्ट पर आ रहे होते हैं। इसके कारण हर प्लेन को सेफ रखने के लिए ATC पायलट से लगातार संपर्क में रहता है और लैंडिंग के टाइम तक स्पीड और हाइट में एडजस्टमेंट करवाता रहता है। जब फाइनली प्लेन लैंड कर जाता है तो ग्राउंड स्टाफ किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह प्लेन को उसके पार्किंग की तरफ ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए फिर रेडी होता है। इस तरह प्लेन अपना रास्ता खोजता है। तो अब आप पहुंच चुके हैं लास वेगस, जाइए और खूब पैसे उड़ा के आइए।
हाउ डज एन एयरप्लेन फाइंड इट्स वे से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को करें लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली बार।